Assalamu alaikum. My name is Fida Hussain. I teach you chemistry. Today, our first topic is masses in chemistry. We are going to start first year chemistry, and in first year chemistry, our first topic is mole and Avogadro's number. But in order to understand mole and Avogadro's number, we must understand atomic mass, molecular mass and formula mass. So let's come to study first atomic mass. This atomic mass is also called relative atomic mass. Atomic mass भी इसको कहते हैं, इसको relative atomic mass भी कहते हैं. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि एक हमारे पास है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये अलग चीज है. फिलहाल हम इस पे बात नहीं कर रहे. एटॉमिक मास नंबर जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये अलग चीज है. एटॉमिक मास नंबर हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक मास को. इसका दूसरा नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास. तो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक मास क्या है? लव से जाहिर है एटम का मास, मास मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास. अब एक एटम चूंकि बहुत छोटा होता है, एन एटम इज अ वेरी टाइनी पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल, देयरफॉर टू मेजर इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो केमिस्ट्स ने, साइंटिस्ट ने एक तरीका जो है ना वो स्टार्ट किया, एक तरीका दिया. वो है कि आप किसी भी एटम के मास को कार्बन के मास से, कार्बन, कार्बन का जो आइसोटोप है 12 वाला, हम इसको लिखते हैं C12, मतलब कार्बन का जो एटम है उसका मास है 12, 12. तो इसका मास 12 और इससे कंपेयर करके हम दूसरे एटम्स का मास बताते हैं. फॉर सपोज मैग्नीशियम का एक एटम Mg, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एक एटम दो कार्बन्स के बराबर था. वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू टू एटम्स ऑफ कार्बन, देयरफॉर इट्स मास वाज कंसीडर्ड टू बी 24. इसका मास 24 है. ओके, और हाइड्रोजन का एटम, 12 हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल टू वन कार्बन, 12 हाइड्रोजन एक कार्बन के बराबर हैं, तो इसका मास हो गया 1, just 1. एंड सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, यानी उसमें एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो एक ऑक्सीजन का एटम का जो मास है वो उनके बराबर हो जाएगा. इसका मतलब है कि इसका मास 16 है. एंड नाइट्रोजन का एटम, एक नाइट्रोजन के एटम का मास 14 है. अब ये मासेज हम कहां से बता रहे हैं? ये मासेज हम बता रहे हैं कार्बन 12 से कंपेयर करके. कार्बन 12 यानी कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन 12 के साथ इन तमाम एटम्स को, और बता रहे हैं कि इनके एटॉमिक मासेस कितने कितने हैं. मैग्नीशियम का 24, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब यहाँ पे एक सवाल है कि फिर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी इट्स यूनिट. अब देखें यहाँ पे हम कह रहे हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है, यानी हमने ये मास कार्बन से रिलेट करके बताया है, कार्बन 12 से रिलेट करके बताया. यहाँ पे हम कार्बन 12 ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप है, उसका मास है कार्बन 13, और तीसरा आइसोटोप है वो है कार्बन 14. यहाँ पे हम कह रहे हैं कार्बन 12 यानी कार्बन का जो मोस्ट कॉमन, मोस्ट एबेंडेंट आइसोटोप है वो कार्बन 12 है. तो इसका यूनिट क्या? एक हिसाब से केमिस्ट्री या मैथमेटिक के हिसाब से जो वैल्यूज हम रिलेट करके, जो कंपेयर करके बताते हैं, जो रेशोज होते हैं, उनका यूनिट होता ही नहीं है. लेकिन यहाँ पे चूंकि ये मास भी है तो हमें इसको एनी हाउ यूनिट देना था. तो स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास. तो इसका यूनिट भी हम रखते हैं एटॉमिक मास यूनिट,
एटॉमिक मास का यूनिट, ठीक है, इसी को हम कहते हैं AMU. दिस इज रिटन AMU इन शॉर्ट, AMU इसको कहते हैं. सिमिलरली हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, हाइड्रोजन का 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU, नाइट्रोजन का 14 AMU. तो ये इनके एटॉमिक मासेस हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU में इनके शो होते हैं. पीरियोडिक टेबल में आज के हिसाब से हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं. टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं. तो 118 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं वो कार्बन 12 से कंपेयर करके बताए जाते हैं. और स्टूडेंट्स, 1 AMU जो मास है ये कितने ग्राम्स के बराबर है? हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 AMU? जाहिर सी बात है ये मास है, इसको ग्राम में यानी जो SI सिस्टम का यूनिट है उसमें दिखाना जरूरी है. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम्स. अगर इसको हम किलोग्राम में लिखते हैं तो ये होगा 1.66 इंटू 10⁻²⁷ kg किलोग्राम. तो 1 AMU आप देख रहे हैं कि कितना छोटा मास है, बहुत छोटा मास है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है. और 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻²⁴ ग्राम्स या 1.66 इंटू 10⁻²⁷ किलोग्राम्स. और जो 1 AMU है हाइड्रोजन का, ये एग्जैक्ट 1 AMU नहीं है, ये है 1.008. मतलब जो अगर एग्जैक्ट में ये लिखूं तो ये वैल्यू है 1.008 AMU, क्योंकि हमने कार्बन से इसको जब कंपेयर किया तो इसका मास जो है वो इतना बन रहा था. और कार्बन का जो है ना वो फिक्स 12 है, इसके आगे कुछ पॉइंट्स नहीं है, 12.000 है ये, और बाकी हम इस तरह इनके बताते हैं. सिमिलरली ऑक्सीजन भी एग्जैक्ट 16 नहीं है, ये 15.98 समथिंग होता है, ठीक है. तो मतलब ये हम पढ़ते तो इसको 16 है लेकिन ये 15.98 तकरीबन जो है ना वो इसके बराबर है. यानी ये जो कंपेरेटिव वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, ये डेसिमल पॉइंट्स में भी आते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना वो एटॉमिक मास है. आप कभी भी एटॉमिक मास ये ना बताएं जो आप लोग बताते हैं कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास, तो वो एटॉमिक मास नहीं होता, वो एटॉमिक मास नंबर होता है. वो आप गलत बताते हैं, वो नंबर होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता. एटॉमिक मास क्या है? इट इज मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट कंपेयर टू मास ऑफ कार्बन 12, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास. और इस तरीके से हम जो है ना वो एटम्स का मास निकालते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स है मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास के बाद मॉलिक्यूलर मास, ये केमिस्ट्री में दूसरा मास है जो ज्यादा इस्तेमाल होता है. मॉलिक्यूलर मास क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस. अब देखें, ये मैंने लिखा है H2O, वाटर. वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है. तो जब हम इसके मास की बात करेंगे, हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इसके दो एटम्स हैं, प्लस दूसरा एटम इसमें क्या है? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक मास है 16. तो 1 × 2, 2 + 16, दिस विल मेक 18. तो दो एटम हाइड्रोजन के 16 जो है ना एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, ये 18 हो गए. अब देखें, ये दोनों एटॉमिक मासेस थे, इनका यूनिट क्या था? AMU, जो हम इस पोर्शन में पढ़ चुके, तो इसका यूनिट भी होगा AMU. मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के मासेस का सम है, जमा है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, ये हो गए 44.
44 amu। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 44 amu। एंड इधर आगे हम ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो इसका जो मास होगा 16 × 2 = 32 amu। सिमिलरली ये नाइट्रोजन एलिमेंट लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, यानी इसके दो एटम हैं, तो 14 × 2 दिस मेक्स 28 amu। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इधर मैंने लिखा है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने यहाँ पे ना कंपाउंड लिखा ना एलिमेंट लिखा। जो सब्सटेंस लव्ज है केमिस्ट्री में, सब्सटेंस का मतलब है एलिमेंट एंड कंपाउंड। सब्सटेंस मतलब एलिमेंट एंड कंपाउंड। जब आप लव्ज सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपसे आपकी मुराद यह होती है कि एलिमेंट या कंपाउंड। तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट का भी होता है और वो कंपाउंड का भी होता है। इधर जब हमने एटॉमिक मास पढ़ा हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे थे, हमने कहीं भी कंपाउंड का जिक्र नहीं किया, लेकिन इधर हम कह रहे हैं कि दोनों का मॉलिक्यूल मास होता है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड्स एंड देयर मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे आर एलिमेंट्स बट दे एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, देयर मास ऑल्सो इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है वो है कि ऑक्सीजन 16 अगर हम लिखें amu और हम लिखें ऑक्सीजन O2 32 amu। स्टूडेंट्स तो आप क्या कहेंगे ये इनके कौन से मासेज हैं? तो ये जो मास मैंने लिखा है ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है क्योंकि अकेला एटम है, और ये जो मैंने 32 लिखा है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो एक एलिमेंट का एटॉमिक मास भी हो सकता है जब उसका अकेला एटम हो हम उसकी बात करें, और एक एटम का मॉलिक्यूलर मास भी हो, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ये हो गया हमारे पास दूसरा मास जो केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करें, इसका यूनिट भी amu। अब बढ़ते हैं हम तीसरे मास की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास केमिस्ट्री में जो तीसरा मास है वो है फार्मूला मास। फार्मूला मास, पहले हमने पढ़ा एटॉमिक मास फिर मॉलिक्यूलर मास, अब फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या है? देखें हमारे पास एक बहुत आम कंपाउंड है, वेरी कॉमन कंपाउंड, वो है NaCl। NaCl, अब NaCl का अगर मैं मास निकालूंगा तो जाहिर सी बात है मैं सोडियम का मास, सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 amu में। अब दोनों को मैंने सम किया तो ये मेरे पास हो गए 58.5 amu। अब एक सवाल है कि इस मास को मैं क्या कहूँ, क्या मैं इस मास को मॉलिक्यूलर मास कहूँगा? यहाँ पे तो मैंने H2O के मास को जब निकाला, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास मैंने सम किया तो मैंने इसको मॉलिक्यूलर मास का नाम दिया, लेकिन मैं इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह सकता। क्यों? इसका रीज़न है वो ये कि ये जो कंपाउंड है NaCl ये एक आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल नहीं होते। क्यों नहीं होते ये एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट इतना कहूँगा कि आयोनिक कंपाउंड्स का एक यूनिट, एक उनका जो पार्टिकल है वो आज़ाद हालत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे एक H2O एक CO2 अकेले आज़ाद हालत में सर्वाइव कर सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट आयोनिक कंपाउंड्स एंड देयर यूनिट्स कैन नॉट सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। उनका एक सिंगल यूनिट अकेला नहीं रह सकता। जब एक सिंगल यूनिट अकेला नहीं रह सकता तो उसके सिंगल यूनिट को हम
मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। जब इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते तो इसका मतलब है हम इसको क्या कहें फिर, हम इसके मास को मॉलिक्यूलर मास भी नहीं कह सकते, तो हम इसको कहते हैं फार्मूला यूनिट। मतलब आप कहेंगे सर फिर ये एक NaCl, ये जो एक NaCl है ये क्या है, मैं कहूंगा ये इसका फार्मूला यूनिट है। ये क्या है, ये इसका फार्मूला यूनिट है। ये इसका एटम नहीं है चूंकि ये एक एलिमेंट तो है ही नहीं, ये इसका मॉलिक्यूल भी नहीं है चूंकि ये अकेला आजाद हालत में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या है, ये इसका फार्मूला यूनिट है। अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट, प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ व्हाट, ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी आयनिक कंपाउंड के एक फार्मूला यूनिट में मौजूद तमाम एटम्स के जो मासेज हैं उनको आप जब सम करते हो तो वो जो मास बनता है वो मास आपका कहलाएगा फार्मूला मास। सिमिलरली वी हैव एन अदर एग्जांपल दैट इज आल्सो अ फेमस कंपाउंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो CaCO3 को मैं कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि ये एक CaCO3 आजाद हालत में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये इसका फार्मूला यूनिट है। तो इसका मास कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि इसके तीन एटम हैं, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, ये हो गया 100। तो 100 AMU जो है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा मास है, एटॉमिक मास नो, मॉलिक्यूलर मास नो, फार्मूला मास, ये इसका फार्मूला मास कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस के एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंपाउंड में फिर वो कोवेलेंट हो या आयनिक कंपाउंड हो, उनके जो मासेस हैं उनको हम तीन नामों से जानते हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। मजे की बात ये कि तीनों का जो यूनिट है वो सेम है AMU, तीनों का यूनिट एक ही AMU है। तो आज स्टूडेंट्स हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस किया मासेस इन केमिस्ट्री, हमने एटॉमिक मास को पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर मास को पढ़ा और हमने फार्मूला मास को पढ़ा। ये जो है तीनों मासेस, आपको इनके बारे में आपके आइडियाज क्लियर हों, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ताकि हम आगे मोल एंड एवोगाड्रो नंबर को समझ सकें। तो ये रहा हमारा आज का पहला लेक्चर, आप मेरा YouTube चैनल स्टडी विद फिदा हुसैन सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं मुख्तलिफ लेक्चर्स आपको वक्तन फवक्तन देता रहूँगा, आप जो है ना बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए मेरे लेक्चर आते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।